जस करनी तस भोग ही ताता, आज नहीं तो कल निश्चित पाता। जो आप कर रहे हैं मोदी जी, उसका परिणाम आपको कल जरूर मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सत्ता की हनक से जो किसी दूसरे को परेशान कर रहे हैं, किसी गर्भवती महिला को तंग कर रहे हैं, तो ये मत समझिए कि आपके पास वो चीज़ नहीं आएगा। CBI RED लौट कर आपके पास भी आएगी। जिस दिन आप सत्ता से बाहर होंगे मोदी जी, उस दिन CBI RED जब आपके घर पर पहुंचेगी, तो आप माथा पकड़ के रोइएगा, और आपका आंसू पूछने वाला तो कोई नहीं रहेगा। ना आपकी बीवी है, ना आपका बच्चा है, माँ तो खैर रही नहीं। अब चुनाव का समय आ रहा है, तो लालू यादव के यहाँ ED पहुंच रही है, CBI पहुंच रही है, TV पहुंच रही है, तो मतलब क्या कहना चाहते हैं लोग? तो यही कहना चाहेंगे, एक कहावत है कि दोस्त पराये दिखा करी चला हसंत हसंत, अपने याद ना आवे ही जिनका दिन अंत। मतलब लालू यादव का दोस्त आपको दिखाई पड़ रहा है, और गुजरात में मतलब 800 करोड़ का घोटाला हुआ था वो भूल गए क्या? अमित शाह के बेटे के ऊपर घोटाले का आरोप लगा था वो भूल गए थे क्या? मैंने भाजपा वाला सब जो है वो गंगा से नहा के पंडित बन गया है, और बाकी उसका विपक्ष में जो है वो सबका सब चोर है, यही ना कहना चाह रहे हैं? मतलब विपक्ष के ऊपर आपने लगातार CBI और ED की जांच करवा रहे हैं आप। आप ये बताइए कि भाजपा के लोगों पर कितने बार CBI और ED की जांच हुई? हाल ही विपक्ष पर ही क्यों हो रही है? तो इसका मतलब साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि CBI और ED आपके सारे पर काम कर रही है, निश्चित तौर पर आपके सारे पर काम कर रही है। अगर नहीं करती, अगर वो स्वतंत्र है CBI और ED, तो फिर विपक्ष के लोगों पर जो है वो क्यों नहीं जांच करती है? अमित शाह के ऊपर जांच क्यों नहीं करती है? अमित शाह के बेटे के ऊपर तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनके ऊपर जांच क्यों नहीं करती है? गुजरात में भी 800 करोड़ का घोटाला हुआ, भूल गए क्या? आप पंडित है ये बताइए। नहीं ठीक है, आप जांच करवाइए, लेकिन किसी गर्भवती महिला को परेशान करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? हम मानते हैं कि लालू यादव ने अरबों का घोटाला कर लिया, करोड़ों का घोटाला कर लिया, आप जांच करवाइए। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि हमारे देश का कानून कैसा है कि कोई मंत्री से 20 साल बाद हट जाता है तब उस पर जांच होता है? आप तुरंत जांच क्यों नहीं करवाते हैं? जब कोई मंत्री से रिजाइन मारता हो, चाहे जब कोई मंत्री पद से हट जाता हो, चाहे जिसकी सरकार हट जाती हो, एक टीम गठित करके रखे हमारे देश की सरकार की, जैसे ही चाहे मोदी जी सरकार से हट जाए तो मोदी जी के जितने लोग मंत्री में थे उनके सबकी संपत्ति की जांच की जाए। तेजस्वी यादव के घर में जो लगातार जो है वो CBI और ED की छापे पड़ रहे हैं, और लगभग 600 करोड़ रुपए घोटाले की बात सामने आ रही है। लालू के सभी परिवारों के ऊपर जो है वो CBI और ED की रेड पड़ी है, चाहे वो बेटी का घर हो, चाहे वो दामाद का घर हो, चाहे वो तेज प्रताप का घर हो, चाहे वो तेजस्वी का घर हो, सभी जगह रेड किया गया। लगभग 600 करोड़ रुपए घोटाला की बात सामने आ रही है। सोचिए और सुनिए कि लैंड फॉर जॉब, यानी जमीन दो और नौकरी लो, इसी मामले की बात चल रही है। 600 करोड़ रुपए के बड़ा घोटाला हुआ है, और लगातार जो है CBI और ED जो है रेड मार रही है। देखिए चुनाव भी तो आने वाला है, हो सकता है लालू यादव ने घोटाला किया हो, मैं मानता हूँ। ऐसे भी उनके ऊपर पहले भी घोटाला का मामला चल रहा है, चारा घोटाला में वो जेल गए, उन पे साबित भी हुआ कि चारा घोटाला इन्होंने किया। लेकिन एक फिर से नया घोटाला सामने आया 600 करोड़ रुपये का। अब देखिए होता यही है कि जब सत्ता, कहा गया है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाली बात है। तो जिसकी सत्ता आती है वो सत्ता का दुरुपयोग करता ही करता है, और ये शायद जब सत्ता में लालू यादव थे तो उन्होंने भी किया, जब सत्ता में भाजपा है तो वो भी कर रहे हैं, जब सत्ता में कांग्रेस था तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन कहना ये है कि भाजपा जिस तरह से CBI और ED का इस्तेमाल कर रही है, मैं पूछना ये चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि क्या आपके पार्टी में मौजूद सभी लोग जो है वो गंगा से नहा के मतलब जाके बैठते हैं आपके पास क्या? मतलब जो बीजेपी में गया वो गंगा से नहा के शुद्ध हो गया, और जो RJD में गया वो सबका सब चोर हो गया, जो कांग्रेस में गया वो सबका सब चोर हो गया। लालू यादव कब थे रेल मंत्री, और आप आज जो है वो उनकी कुंडली खंगाल रहे हैं। मोदी जी चिंता मत कीजिए, जब आप भी सत्ता से बाहर होंगे ना तो आपकी भी कुंडली खंगाली जाएगी, और आपने कितना घोटाला किया है आपके ऊपर भी CBI और ED की जांच करवाई जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। आज आप लालू यादव को परेशान कर रहे हैं, आपकी मतलब कितना बड़ा आप बताइए निर्दयी आदमी है कि एक गर्भवती महिला को आपने परेशान किया जो अस्पताल में जाकर भर्ती हो गई। मानवता के नाते गर्भवती महिला को कोई अगर देख भी लेता है, चाहे खड़ा देख लेता है, चाहे परेशान देखता है, तो हजारों लोग मदद के लिए आगे आ जाते हैं। ये वो है हमारा देश, हमारे यहाँ महिला को तो देवी माना जाता है, और CBI और ED की टीम जो है वो गर्भवती महिला को परेशान की है। ये मानव का हनन हुआ है, मानव के अधिकार का हनन हुआ है। CBI और ED के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये गर्भवती महिला को आप कैसे परेशान कर सकते हैं? मोदी जी थोड़ा सा भी अगर शर्म हया बचा है तो इस तरह की काम करना जो है आप लोग बंद करवा दीजिए। अगर घोटाला हुआ, अगर आपकी सरकार इतना ही तत्पर थी, हमारे देश में सरकार इतनी तत्पर होती है, तो जिसमें घोटाला हुआ उसमें क्या कर रही थी? जिस समय कोई मंत्री बनता है और मंत्री पद से इस्तीफा देता है, चाहे मंत्री पद से वो हटता है, उसी समय उसे जो है उसका जांच क्यों नहीं करवाया जाता है? 10 साल बाद जांच क्यों करवाया जाता है? क्योंकि आप ये चाह रहे हैं, क्योंकि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि अगला को दबाया जाए। अब चुनाव का समय आ रहा है, तो लालू यादव के यहाँ ED पहुंच रही है, CBI पहुंच रही है, TV पहुंच रही है, तो मतलब क्या कहना चाहते हैं लोग? तो यही कहना चाहेंगे, एक कहावत है कि दोस्त पराये दिखा करी चला हसंत हसंत, अपने याद ना आवे ही जिनका दिन अंत। मतलब लालू यादव का दोस्त आपको दिखाई पड़ रहा है, और गुजरात में मतलब 800 करोड़ का घोटाला हुआ था वो भूल गए क्या?
अमित शाह के ऊपर जो घोटाला, अमित शाह के बेटे के ऊपर घोटाले का आरोप लगा था वो भूल गए थे क्या? मैंने भाजपा वाला सब जो है वो गंगा से नहा के पंडित बन गया है, और बाकी उसका विपक्ष में जो है वो सबका सब चोर है, यही ना कहना चाह रहे हैं? आपके विपक्ष के ऊपर, मतलब विपक्ष के ऊपर आपने लगातार सीबीआई और ईडी की जांच करवा रहे हैं आप। आप ये बताइए कि भाजपा के लोगों पर कितने बार सीबीआई और ईडी की जांच हुई? हाली विपक्ष पर ही क्यों हो रही है? तो इसका मतलब साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि सीबीआई और ईडी आपके सारे पर काम कर रही है, निश्चित तौर पर आपके सारे पर काम कर रही है। अगर नहीं करती, अगर वो स्वतंत्र है सीबीआई और ईडी, तो फिर विपक्ष के लोगों पर जो है वो क्यों नहीं जांच करती है? अमित शाह के ऊपर जांच क्यों नहीं करती है? अमित शाह के बेटे के ऊपर तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनके ऊपर जांच क्यों नहीं करती है? गुजरात में भी 800 करोड़ का घोटाला हुआ, भूल गए क्या? आप पंडित है ये बताइए। जस करनी तस भो कहीं ताता, आज नहीं तो कल निश्चित पाता। जो आप कर रहे हैं मोदी जी, उसका परिणाम आपको कल जरूर मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सत्ता की हनक से जो किसी दूसरे को परेशान कर रहे हैं, किसी गर्भवती महिला को तंग कर रहे हैं, तो ये मत समझिए कि आपके पास वो चीज़ नहीं आएगा। सीबीआई और ईडी लौट कर आपके पास भी आएगी। जिस दिन आप सत्ता से बाहर होंगे मोदी जी, उस दिन सीबीआई और ईडी जब आपके घर पर पहुंचेगी, तो आप माथा पकड़ के रोइएगा, और आपका आंसू पूछने वाला तो कोई नहीं रहेगा, ना आपकी बीवी है, ना आपका बच्चा है, माँ तो खैर रही नहीं। तो सोचिए, जब बुढ़ापे में आपके यहाँ सीबीआई और ईडी के छापे पड़ेंगे, तब आपकी स्थिति क्या होगी? नहीं, ठीक है, आप जांच करवाइए, लेकिन किसी गर्भवती महिला को परेशान करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? हम मानते हैं कि लालू यादव ने अरबों का घोटाला कर लिया, करोड़ों का घोटाला कर लिया, आप जांच करवाइए, लेकिन सवाल यहां पे है कि हमारे देश का कानून कैसा है कि कोई मंत्री से 20 साल बाद हट जाता है तब उस पर जांच होता है? आप तुरंत जांच क्यों नहीं करवाते हैं? जब कोई मंत्री से रिजाइन मारता हो, चाहे जब कोई मंत्री पद से हट जाता हो, चाहे जिसकी सरकार हट जाती हो, एक टीम गठित करके रखे हमारे देश की सरकार की, जैसे ही चाहे मोदी जी सरकार से हट जाए तो मोदी जी के जितने लोग मंत्री में थे उनके सबकी संपत्ति की जाँच की जाए, उन्होंने क्या काम किया उस पर जाँच किया जाए। लेकिन ये 10 साल बाद तो लोग कहेंगे ना कि फंसाने का साजिश हो रहा है। आपके विपक्ष के लोगों पर जो आपके साथ है, ठीक है, विपक्ष के लोगों पर जो है सीबीआई रेडी ग्रेड पर, लेकिन जो आपके साथ है उनके ऊपर क्यों नहीं सीबीआई रेडी की जांच हो रही है? कभी अमित शाह के यहाँ सीबीआई रेडी नहीं गई, सुशील मोदी जी के यहाँ नहीं गई? सुशील मोदी तो बिहार में इतने सालों में सत्ता में रहे, उनके यहाँ कई बार सीबीआई रेडी की जांच हुई है? भाई आपको क्या लगता है सुशील मोदी जी पंडित हैं? वो संपत्ति नहीं कुछ जमा करके रखे होंगे? ठीक है, नहीं रखे होंगे तो आप जांच करवा दीजिए ना, हम लोगों को लगेगा। लेकिन कहाँ सीबीआई रेडी वहाँ जा रही है? लालू का दरबार ही खुला है, जब देखना है मतलब चले आना है मंदिर की तरह। तो ठीक है भाई, आइए और जाइए। लालू यादव तो ऐसे भी सजा याफ्ता है, वो सजा काट ही रहे हैं, लेकिन अब नया चेहरा और तेजस्वी को आप जो है वो बर्बाद करना चाहते हैं। मोदी की टीम अब ये चाह रही है कि तीसरी तरह से तेजस्वी को फंसा के जेल भेज दे और बिहार का रास्ता साफ कर दिया जाए, इसीलिए अब लालू यादव पर ध्यान कम और तेजस्वी पर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है। इसीलिए बार बार सीबीआई और ईडी जो है वो नाम तेजस्वी यादव का ही ले रही है। स्पष्ट रूप जान लिया, तेज प्रताप का नाम क्यों नहीं सीबीआई ऑलरेडी बार बार ले रही है? क्योंकि वो जानता है कि वो सरकार में रहने लायक नहीं है, उनके पास उतना खोपड़ी नहीं है। तेज प्रताप के पास जान रहा है कि इसके घर में तेजस्वी यादव जो है वो बिस्खोपड़ा माइंड का है, बहुत तेज तरार है, तो चलो इसी को ही फंसाओ, तो बार बार तेजस्वी यादव का नाम लिया जा रहा है। अब यही केंद्र की सरकार चाह रही है कि अगर बिहार से तेजस्वी यादव जेल चले जाते हैं दिल्ली में मनीष सिसोदिया की तरह, तो हमारा बिहार का रास्ता साफ हो जाएगा, फिर हम लोग ऐश मौज करेंगे। तो कीजिए, जब समय विपरीत होता है ना मोदी जी, तो फिर बक्सा नहीं जाता है। जब ऊपर वाले का डंडा चलेगा तो आपका हश्र क्या होगा? भूल गए, एक वोट से ना सत्ता गिर गया था आपका? तो चिंता मत कीजिए, लौट के वो दिन आएगा, अगर आप गलत करेंगे तो, अगर गलत नहीं करेंगे तो सत्ता में बरकरार रहिएगा। जय हिंद।